Hello, good morning once again. Once again, I want to apologize in the beginning of the lecture. It's not morning, it's a very good afternoon to all of you. Okay. Today, I have to say first thing that some schools have started their online classes. Even my school has started their own online classes on Zoom and other platforms. So, today is the first day when we both are taking our classes from you're getting classes from the school as well as from my side, and there could be a little bit of clash. ऐसा हो सकता है इस समय आपकी कोई और क्लास चल रही हो और आप मुझे ना देख पा रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे को साथ अभी तक जुड़ चुके हैं. इन एनी केस, ये जो टाइम क्लैश वाला इशू है इसको हम आज ही रिजॉल्व कर लेंगे और फिर हम कुछ और ऐसा सेट कर लेंगे कि आपकी क्लासेस में कोई क्लैश ना आए. ऑफ कोर्स मेरी क्लास एक यूट्यूब क्लास है जो कि मेरे वर्चुअल क्लासरूम के अंदर चली जाएगी. मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा तो आप इसको बाद में भी व्यू कर सकेंगे. ऑब्वियसली लाइव क्लास के अंदर रहने में आपको एक आसानी होती है दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, बट आप मुझसे क्वेश्चंस दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं. आप मुझे क्वेश्चंस डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं उनको भी देने की कोशिश करूंगा. मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हम रिश्त पुष्ट चैनल पर लाइव हैं. रिश्त पुष्ट चैनल इज ए चैनल विच टेलीकास्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स लाइव एंड इंटरेक्टिव. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आप सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहां पर आपको मेरे पुराने सारे लेक्चर्स दिख सकते हैं. किसी तरीके से आपको कोई कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे लेक्चर्स को दोबारा से अटेंड कीजिए. अटेंड करने के बाद आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि हम किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं. जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिल्डिंग नॉलेज. नॉट एज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस, बट इट इज अ बेसिक चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग. मैंने इसमें आपको कुछ क्लासेस लेकर के पहले बता चुका हूँ मैं दैट हाउ ए पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट. मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो किस स्टाइल से बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और काफी डिस्कशन हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशंस पर भी किया है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन रहा है. मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, कुछ फॉर्मूले भी आपके साथ शेयर किए. तो आज हम अपने मेन चैप्टर पर आते हैं या मेन पार्ट पर. अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो एग्जाम्स में थोड़ा कम रहता है. वो चीजें एग्जाम में ज्यादा आती हैं वो आखिरी के दो टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक टॉपिक को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं इसका नाम बोर्ड पर लिखता हूँ. इसको हम बोलते हैं पास एडजस्टमेंट्स. कई बार हम कहते हैं एडजस्टमेंट, After the closing of balance sheet, या after preparing the balance sheet, adjustment after preparing the balance sheet, और आमतौर पर ये adjustment हम एक single journal entry के थ्रू करते हैं. देखो क्वेश्चन की नेचर वही रहती है जैसी नेचर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइम पर. जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तब भी कुछ ऐसा होता था जो अभी तक हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया होता था और उसे हम रिकॉर्ड करते थे. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं ना, इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट. पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी बैलेंस शीट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हो, बैलेंस शीट आप पहले ही बना चुके हो और फिर आपको कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो सच एन एडजस्टमेंट विल बी कॉल्ड एज ए पास्ट एडजस्टमेंट
ऐसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट कहेंगे। और ये एडजस्टमेंट हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बना करके करनी होती है, और उसको करने के लिए हम लोग आमतौर पर एक सिंगल जर्नल एंट्री इसे यूज करते हैं। ये चीज को समझाने के लिए मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लूंगा, और क्वेश्चन की हेल्प लेकर के मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जस्ट आज हम जो स्टार्टिंग करेंगे दो टाइप की चीजों से शुरू करेंगे, एक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था और आप किसी वजह से प्रोवाइड करना भूल गए या आपने प्रोवाइड नहीं किया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने चार्ज करना था, किसी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप चार्ज करना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने चार्ज नहीं किया। तो दोनों सर्कमस्टांसेस में अगर बैलेंस शीट पहले ही बन चुकी है तो आप इस मिस्टेक को कैसे ठीक करेंगे, ये चीज हम सीखेंगे। इसी चीज को हम पास्ट एडजस्टमेंट कह रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट मींस एनी एडजस्टमेंट व्हिच वाज टू बी डन अर्लियर हैज नॉट येट बीन डन एंड नाउ इट इज टू बी डन। और मैं दो एग्जांपल जो ले रहा हूं, कौन से ले रहा हूं, वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द अदर वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों को आज सीखना है। एडजस्टमेंट्स और भी होती हैं, सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ बेस बिल्डअप करेंगे कि इस टॉपिक में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने बताया, फाइनल आंसर तो एक जर्नल एंट्री होगी, लास्ट में आपने आंसर लिखना है, जर्नल एंट्री लिखना है। इस जर्नल एंट्री को रीड करके आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। लेकिन इस जर्नल एंट्री को करने से पहले आपको कुछ वर्किंग्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक टेबल बनाना पड़ता है, उस टेबल को एडजस्टमेंट टेबल कहा जाता है। ये एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे लैपटॉप पर ले प्लीज। मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम इसी क्वेश्चन को हैंडल करते हैं जो पास एडजस्टमेंट पर बेस्ड। तो आपको कंप्यूटर पर मेरी, आपको अपने फोन्स पर या अपने टेलीविजन सेट्स पर मेरा कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिख रहा होगा। हम शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस पहले से ही लिख कर रखे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा, पास्ट एडजस्टमेंट्स ये टॉपिक है। आई थिंक आराम से पढ़ा जा रहा है। और ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पर लिख, जो मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसे आप देखिए, क्वेश्चन है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं। आमतौर पर मैं अपने क्वेश्चंस में पार्टनर्स के नाम राम और श्याम ही लेता हूँ। राम और श्याम भगवानों के नाम है। अकाउंट्स आपको पता ही है, एक बड़ा ही धार्मिक सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज्यादातर नाम जो यूज किए जाते हैं वो भगवान के अवतारों के यूज किए जाते हैं, तो साथ साथ पूजा भी हो जाती है। राम एंड श्याम दे आर पार्टनर्स इन फॉर, आपके मुंह से आपके थॉट्स में राम और श्याम का नाम आएगा तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। दे आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5, ये इनकी रेशियो है जिस रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। ये राम और श्याम की फिक्स्ड कैपिटल्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जब कभी भी कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक करंट अकाउंट भी बनता है। जब आप अपनी जर्नल एंट्री लिखेंगे तो वहां पर आपको कैपिटल अकाउंट इस वर्ड को यूज करने की जगह करंट अकाउंट वर्ड यूज करना चाहिए। दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 9 लाख। अब हमारा असली क्वेश्चन है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैज बीन क्लोज्ड,
It was observed that interest on capital at the rate of 10% per annum, as was mentioned in the partnership agreement, has not been credited to the capital accounts of the partnership. So, इनको ध्यान से दोबारा दो तीन बार पढ़ें. ये जब accounts of the years close हो चुके थे, मतलब balance sheet बन चुकी थी, तो ये observe किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% जो हमने देना था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो अभी तक हमने पार्टनर्स को नहीं दिया है. और फिर हमने एक जर्नल एंट्री करके इसको रेक्टिफाई कर दिया. हमने जर्नल एंट्री करके इस एरर को सही करना. ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें, नहीं तो आप इसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप के पास अगर कोई दूसरे डिवाइस हो तो आप उससे इसका फोटो एक क्लिक कर लें, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए. आप बाद में मेरे वीडियो को व्यू कर सकते हैं रिश्तपुष चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के. आप रिश्तपुष चैनल में जाने और प्लेलिस्ट में आपको आदेश सर वर्चुअल क्लासरूम दिखेगा, जहां पर मेरे आज तक जितने भी लेक्चर्स दिए गए हैं सारे एक सीक्वेंस में सिलसिलेवार आपको दिख जाएंगे. और आप वहां पर वीडियो दोबारा सुन करके पॉइंट पर अपने वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन दोबारा से क्लियरली दिखे. ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है. ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 2012 में आ चुका है, तो इसको ही मैंने बेस लिया है डिस्कस करने के लिए. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास ये पॉइंट, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे फॉर्मेट आ गया होगा. आपने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और एक जर्नल बनाना है. एडजस्टमेंट टेबल ऐसे बनाना है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स की स्पेलिंग थोड़े गलत आ रहे हैं, कर देता हूँ. पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आपने पार्टनर पहले वाले का नाम लिखना है, राम का नाम लिखना है, फिर आपने श्याम लिखना है, फिर आपने एक कॉलम टोटल के लिए बना. सिंपल सिंपल टेबल है, पर्टिकुलर्स, राम, श्याम एंड टोटल, जितने पार्टनर्स होंगे उनके नाम और पीछे टोटल. और नीचे जर्नल है आपका फैमिलियर, डेट, पर्टिकुलर्स, एलआर, डेबिट एंड. ठीक है ना, आपकी कॉपीज में ये थोड़े बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं आप, देखने में ऐसा लगता ऐसे बनेगा. जर्नल भी आप बनाएंगे तो जर्नल भी बड़ा सा बनाएंगे. को थोड़ा सा टाइप करना होता है, इस वजह से मैं इसको धीरे धीरे डेवलप करूंगा, बट इस तरीके से ये चलेगा. अब आपने स्टार्ट करना है, अपना क्वेश्चन करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना. जो आइटम ओमिट हुई है, कौन सी आइटम ओमिट हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले आप वो लिख लीजिए और उसे कैलकुलेट करके राम के और श्याम के अकाउंट्स में लिखिए. तो राम की कैपिटल 5 लाख है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 50,000, 10% निकालना. और श्याम की कैपिटल 9 लाख है, इसलिए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, ये बनेगा 90,000. तो 50,000 एंड 90,000, आप इसको यदि टोटल करेंगे तो इट विल बी 1,40,000. ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है. अभी तक मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है. मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का, श्याम का, दोनों का कैलकुलेट करके सामने उसका टोटल भी निकाला. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना था, लेकिन हमने तो दिया ही नहीं, देना ही भूल गए. तो जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया तो क्या होगा, तो मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि क्या होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने पार्टनर्स को नहीं दिया तो क्या होगा. ऑब्वियसली जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉस फॉर द फर्म, इट इज टू बी गिवन टू द पार्टनर. फर्म पार्टनर को देती है, तो जब फर्म पार्टनर को नहीं देगी तो क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. जब फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ये प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स को ही मिलेगा.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ना देने से फर्म को फायदा होता है, लेकिन फिर वो फायदा उन्हीं पार्टनरों को मिल जाता है। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलता है। तो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं या एक फ्रेज लिख रहा हूं, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड में मैंने क्या करना है, मैंने उसी अमाउंट को 140,000 को 3:5 की रेशियो में डिवाइड करके लिखना है। 3:5 की रेशियो में मैंने डिवाइड करना आपको सिखाया था, 3 और 5 दोनों को ऐड कर लीजिए। आपको मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन ये था दैट दे यूज टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5 ये रेशियो। तो इस रेशियो में आप इसको डिवाइड करें, रेशियो में जब आप डिवाइड करेंगे 140,000 को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 दोनों को ऐड करना है, 8 आएगा। एक बार आपको 140,000 को 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार आप उसको 5/8 से मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास अमाउंट आता है 52,500। ये अमाउंट मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। और जब आप शाम का 5/8 से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो अमाउंट आपको मिलेगा 57,500। आप ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, जैसा कि मैंने बताया 140,000 को 3:5 की रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं इसके लिए या तो मेरा कोई पुराना वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको वैसे ही मालूम इजीली समझना है तो जनरल सी बात है कि आप 3:5 निकालने के लिए 3 और 5 दोनों को ऐड करिए, यानी रेशियो के दोनों कॉम्पोनेंट्स को ऐड करिए, 8 आएगा। एक बार 3/8 कर लीजिए, एक बार 5/8 कर लीजिए और 140,000 को उससे मल्टीप्लाई। ये करने के बाद आपके पास ऐसा डाटा क्रिएट हो जाएगा जैसा मैंने किया। अब आपने क्या करना है, आपने इनको माइनस करना है। माइनस भी जो करना है ना, वो आपने इंटरप्रेट करते हुए माइनस करना है। राम वाले कॉलम को ध्यान से देखें तो इस कॉलम, ये कॉलम हमें कुछ कह रहा है। ये कॉलम क्या कह रहा है कि राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 50,000, वो तो उसे मिला नहीं। राम को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 50,000, वो उसको मिला नहीं, लेकिन बदले में राम को प्रॉफिट मिल गया। कितना प्रॉफिट मिल गया, 52,500 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राम को 2,500 एक्स्ट्रा मिल गया है, राम को 2,500 फालतू मिल गया है। तो राम से हम क्या करेंगे, 2,500 वापिस ले लेंगे। और इसी तरह से शाम के केस में उल्टा हो रहा है, उसे 90,000 मिलना चाहिए था लेकिन उसे 87,500 मिला है, यानी कि उसको 2,500 कम मिला है। तो हम क्या करेंगे, उसको 2,500 और दे देंगे। तो रूल ये बनेगा, एडजस्टमेंट ये बनेगी कि राम से 2,500 वापिस ले लेंगे और शाम को 2,500 हम और दे देंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी किसी की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, और जब हम किसी की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एडजस्टमेंट ये बनी कि राम के अकाउंट में 2,500 डेबिट किए जाएंगे और शाम के अकाउंट में 2,500 क्रेडिट किए जाएंगे। तो नीचे आपको एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। जर्नल एंट्री आपकी ये बनेगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और उसके नीचे आपको एंट्री देनी पड़ेगी टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपकी बनेगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
शाम्स क्या पता लगाऊं, इसमें गलती मैंने कर दी है। वो गलती ये की है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी भी कैपिटल फिक्स होती है तो वर्ड कैपिटल नहीं लिखते, उसकी जगह करंट लिखते हैं। आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए राम्स करंट अकाउंट डेटेड टू शाम्स करंट अकाउंट, कैपिटल मत लिखिए ऐसे। और आपको याद होगा कि जब कभी भी हम कोई जर्नल एंट्री लिखते हैं, जर्नल एंट्री के नीचे हम एक नरेशन भी देते हैं। आपको नरेशन देनी पड़ेगी बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये नरेशन आपको नीचे देनी पड़ेगी। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो ये आपका आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर होता है उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है। एडजस्टमेंट टेबल आप ऊपर बनाएंगे, आपको दिख रहा होगा, एडजस्टमेंट टेबल दिख रहा होगा, ये एडजस्टमेंट टेबल है जो आपको ऊपर बनाना है। और फिर नीचे आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। जर्नल एंट्री अब आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। जर्नल एंट्री आपको बाद में पास करनी है, और जर्नल एंट्री प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में उसकी नरेशन के साथ पास करनी है। और इस तरीके से एंट्री जाएगी राम्स करंट अकाउंट डायरेक्टेड टू श्याम्स करंट अकाउंट। ये एंट्री मैंने बनाई है, लॉजिक पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, फिर टोटल करना है, फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, फिर माइनस करना है। और माइनस करने के बाद आपको अपनी आप पता लग जाएगा कि किसे डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। जिससे पैसा लेना होता है वो डेबिट हो जाता है, जिसको देना होता है वो क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से एंट्री पास हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा? आई होप ये क्लियर हो गया है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थोड़ा सा और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ रखा है, ये 2011 में आया। मैं आपको अपना अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक मिनट पढ़िए इसको, मैं जरा पानी वगैरह पी लूं। तो आप तब तक इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हाँ जी बेटा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। फिर से हमारे क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, दोनों के नाम मैंने एक बार दोबारा से राम और श्याम ही रखे हैं। मैं चाहता हूं कि हम पढ़ाई के साथ साथ भगवान का नाम भी लेते रहें। टाइम ही ऐसा चल रहा है कि ईश्वर की स्तुति करना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया है। तो राम और श्याम आर पार्टनर्स ये मेरे घर की डोर बेल थी। आपको पता ही होना चाहिए कि हम लोग जो भी क्लासेस ले रहे हैं अपने अपने घर से ही ले रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। तो मैंने डोर बेल भी ऐसी ही लगाई हुई है। चलो हम सत्संग से बाहर आ जाएं, जरा अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। तो राम एंड श्याम दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर 2 लाख इन द कैपिटल अकाउंट्स, द बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स वर 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। During the year, Ram withdrew 80,000 and Shyam withdrew 1 lakh. It is found that interest on capital and drawings at the rate of 10% per annum, as provided in the partnership agreement, has not been allowed and charged to capital accounts. You are requested to rectify the above using a single journal entry. अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले क्वेश्चन जैसी ही है।
दो बातों पर गौर करिए। पहले एक लाइन है कि आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2 लाख, इसका मतलब इस ईयर में कोई प्रॉफिट हुआ था 2 लाख रुपए का, वो हम ऑलरेडी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर चुके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पार्टनरशिप के रेफरेंस में। जब कभी भी ऐसा लिखा हो कि हम कोई प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को दिया जा चुका है। और यदि आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, तो प्रॉफिट हमेशा ना ईयर के एंड में दिया जाता है, प्रॉफिट हमेशा ईयर के एंड में दिया जाता है। तो अगर आप प्रॉफिट को पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, ऐसे में जो ये कैपिटल बैलेंसेस आपके पास क्वेश्चन में होंगे, वो दोनों बैलेंसेस क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस होंगे। 4 लाख और 3 लाख, ये जो दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, ये क्या है? ये पार्टनर्स की कैपिटल्स के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। और जो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल में होता है, उसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, ऐसा कुछ मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले बताया था। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल्स जो गिवन है, जो क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, उनसे ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट्स को माइनस करना पड़ेगा और ड्रॉइंग्स को प्लस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है। तो सारी बातों को लेकर के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि यू आर गिवन क्लोजिंग कैपिटल्स, यू हैव टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल। दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो हम देना भूल गए। तीसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, जो हम देना साथ साथ और भी भूल गए। ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए हमने अब अपना एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब इस सर्कमस्टांस में आप एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, काफी देर से स्क्रीन पे है, मैं इसको हटा रहा हूँ और उसकी जगह पर मैं आपको अपना सोल्यूशन दे रहा हूँ। मैंने फिर से एक एडजस्टमेंट टेबल बना रखा है, मैंने फिर से एक जर्नल बना रखा है। जर्नल के अंदर एंट्री की जाएगी वो क्वेश्चन के एंड में की जाएगी, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एडजस्टमेंट टेबल कम्प्लीट करना। एडजस्टमेंट टेबल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल की बात। तो आप सबसे पहले अपनी क्लोजिंग कैपिटल लिखिए। क्लोजिंग कैपिटल पहले आप इसे लिख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करें तो राम की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 4 लाख है और श्याम की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 3 लाख। ये दोनों के अमाउंट्स आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है, ऐसे करते ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट दिखाऊं तो 4 लाख और 3 लाख दोनों है ना। और इसके अलावा इनकी ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स आर 80 and 1 lakh, 80,000 फॉर राम एंड 1 lakh फॉर श्याम। तो अब मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर मैं इनको जरा सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी रहेगी। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर अपनी ड्रॉइंग्स को प्लस करूंगा, विल ऐड ड्रॉइंग। जब कभी भी ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, ड्रॉइंग्स को ऐड करना हो, तो आप ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे। ड्रॉइंग्स की जो अमाउंट है वो कितनी अमाउंट है, ड्रॉइंग्स की जो अमाउंट है वो है 80,000 फॉर राम। और शाम के लिए वो अमाउंट कितनी अमाउंट है, इट इज 1 lakh फॉर शाम। तो ये भी अमाउंट्स मैंने लिख लिए। लिखने के बाद इसमें से आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। अगर आप रिकॉल करें तो हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है, लेकिन प्रॉफिट को हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है,
जब कोई रेशो गिवन ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों के कॉलम्स में शेयर ऑफ प्रॉफिट जो लिखा है वो एक एक लाख लिखा है, इक्वली लिख दिया। मैं नीचे एक रो इंसर्ट कर देता हूँ जहां पर मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करूंगा। मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, आप बड़े आराम से अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते। तो राम की ओपनिंग कैपिटल निकालिए 4,00,000 + 80,000 -1,00,000, उसका अमाउंट बनेगा 3,80,000, 3,80,000 रुपए। जब आप शाम की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो वो 3,00,000 निकलेगी, 3,00,000 होंगी। अभी तक मैंने टोटल कॉलम में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि अभी तक मैं सिंपल ओपनिंग कैपिटल ही निकाल रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक और रो इंसर्ट कर लेता हूं यहां पर, जहां पर मैं असली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा। ये जितना कुछ मैंने किया है ये सिंपली मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए किया, क्योंकि मुझे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालिए 10% है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो 38,000 निकलेगा, और दूसरे पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो 30,000 निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में यदि अकेला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो मैं क्या करता, मैं इसका टोटल करके उसको पिछले क्वेश्चन की तरह से प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड और एडजस्टमेंट निकाल लेता। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, मुझे एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कैलकुलेट कीजिए, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स है 80,000 और 1,00,000। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एक रूल याद रखना है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा हुआ दिया हुआ हो, लेकिन कोई टाइम पीरियड ना दिया हो, ये ना लिखा हो कि ड्राइंग बिगिनिंग में की गई है या मिडल में की गई है या एंड में की गई है, तो ड्राइंग्स को हमेशा 6 मंथ्स के लिए निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमेशा 6 मंथ्स के लिए निकाला जाता है। तो पहले पार्टनर की जो ड्राइंग्स है ना क्वेश्चन में, कितनी ड्राइंग्स है, कितनी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स जो है वो तो 80,000 है, और अगर मैं 10% निकालू तो 80,000 बनता है। लेकिन मैं यहाँ 80,000 ना लिख करके 40,000 लिखूंगा, क्योंकि मुझे 80,000 को फर्दर 6/12 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सिमिलरली सॉरी, इट विल बी 4,000, 80,000 आर द ड्रॉइंग्स, 10% इज 8,000 और 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000। सिमिलरली शाम के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो शाम की ड्रॉइंग्स कितनी, ड्रॉइंग्स आर 1,00,000, 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, लेकिन 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 आएगा। ये उसका इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको क्या करना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को माइनस कर देना। माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हम पार्टनर से को देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। इनका नेट अमाउंट निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया जाता है। अब माइनस करने के बाद आप क्या कीजिए, आप एक अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। ये नेट अमाउंट आया, इसको पर्टिकुलर्स में हम नेट अमाउंट लिख सकते हैं। मैं नेट अमाउंट लिख रहा हूं, नेट अमाउंट लिखने के बाद आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 38,000 -4,000 ये कितना अमाउंट आएगा, इट विल बी 34,000। इसी तरीके से 30 - 5 विल गिव अस 25,000, यस 25,000। आप इन दोनों अमाउंट्स का एक टोटल कर लो, 34,000 और 25,000, दोनों का एक टोटल निकालेंगे तो 59,000।
ये अमाउंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो 59,000 आया है इसको अपना प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड मानना है, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को पढ़ लें, सुन लें और मेरे पिछले क्वेश्चन को भी देखें उसमें मैंने क्या किया। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, उससे ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, तो ये शुरू में मैंने 3-4 स्टेप्स किए वो इस क्वेश्चन के लिए एक्सक्लूसिव थे। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल दी होती तो मैं ये स्टेप्स ना करता। फिर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी था, तो मैंने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करके दोनों को माइनस कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हुए मैंने एक रूल अप्लाई किया है कि क्योंकि उसका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, वो कब की गई है, इसलिए उसको मैंने 6/12 से मल्टीप्लाई भी किया। अब हम इस प्रॉफिट को डिवाइड करने वाले हैं, 59,000 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इक्वली डिवाइड करेंगे तो दोनों में ये 29,500 इक्वली डिवाइड होगा। 59,000 को आप दोनों में बराबर डिवाइड कीजिए, बराबर डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 29,500 ये अमाउंट आएगा जो कि मुझे दोनों में लिखना है। और अब मैं अपनी एडजस्टमेंट फाइंड कर सकता हूं, बहुत इजी रहेगी, इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। 34,000 में से मैं 29,500 का माइनस करूंगा तो 4,500 आएगा। ये 4,500 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा इस वजह से मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। और यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए तो फिर से 4,500 आएगा, लेकिन इस बार ये 4,500 जो आएगा ना ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने की वजह से मैं क्या करूंगा, आई विल डेबिट दिस अमाउंट, मैं इसे डेबिट करूंगा। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री में अब आप शाम आप शाम शाम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, आप इसको डेबिट करेंगे और आप राम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर मैं करंट अकाउंट नहीं लिख रहा, कैपिटल ही लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैपिटल फिक्स, इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। आप नीचे भी इसके सामने अपने अमाउंट लिख सकते हैं, 4,500 यहां भी 4,500। आप एक नरेशन भी लिख सकते हैं, नरेशन वही आएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास आपको शायद स्क्रीन पर ये ना दिख रहा हो, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर कमीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। मैं जरा इसको आपको पूरा क्लियरली दिखाता हूँ, आपको पूरा क्लियरली दिख रहा होगा, ये जर्मन फाइनली बनेगा। शाम का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और नीचे नरेशन आएगी अमाउंट 4,500। ये जो अमाउंट 4,500 है इसे आप यहाँ देखें, अपने एडजस्टमेंट टेबल पर देखें तो आपको किस तरीके से बनाना है। आप चाहें तो यहाँ भी 59,000 दोबारा लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट टेबल बन। दिस इज द एडजस्टमेंट टेबल, पहले क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करके शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी है,
फिर ओपनिंग कैपिटल निकालकर उसका 10% निकालना, 10% निकालेंगे तो 38,000 और 30,000 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमने माइनस कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दी थी उसका 10% है लेकिन उसको 6/12 से मल्टीप्लाई किया गया और दोनों को माइनस करके एक नेट अमाउंट निकाल के टोटल कर देना, उस टोटल को रेशियो में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जिस पर्सन का नेगेटिव आएगा उसे डेबिट कर देना, जिसका पॉजिटिव आएगा उसको क्रेडिट कर देना। जो फाइनल आंसर एग्जाम में चेक होगा वो ये वाली जर्नल एंट्री होगी जो कि आपको मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाई। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को 2-3 बार दोबारा से व्यू करें ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अगली क्लास में आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के वेरिंग डिफिकल्टी लेवल्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। अभी मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बोर्ड पर ले प्लीज। तो मैंने आपके साथ आज पास्ट असेसमेंट्स को डिस्कस किया, आई हैव टोल्ड यू द प्रोसीजर्स टू विच यू कैन हैंडल सच असेसमेंट्स। ये पास्ट असेसमेंट चैप्टर जो होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 मार्क्स तक का आता है और इसके आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जो आपके स्कूल के अंदर एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये पक्का ही आता है और बोर्ड्स में भी इसके आने का फ्रीक्वेंसी काफी हाई रहता है, हर 1 या 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जो क्वेश्चन मैंने आज कराए ये कोई मैंने कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट्स को मैंने कवर किया है और मैंने आपको ये भी बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके टाइम फैक्टर को कंसिडरेशन में लेना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप इस लेक्चर को दोबारा से सुने ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि कुछ टाइम क्लैश है उनकी ऑनलाइन क्लासेस और मेरी क्लास के बीच में, पर मेरी चैनल के साथ कमिटमेंट है कि मैंने इस टाइम पर क्लास लेनी है। हम इस इशू को जल्दी से रिजॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक ऑफ दिस चैप्टर इन ऑल द ग्रुप्स इन विच आई एम प्रेजेंट। आप भी लिंक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप हमारे यूट्यूब पुश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकें, आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। रिस्ट पुश चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज के अलावा इमोशनल मोटिवेशनल और मेडिसिनल एक्टिविटीज होती हैं, आप उनको भी व्यू कीजिए, आपको जरूर कुछ एडवांटेज होगा। डॉक्टर नवदीप शर्मा डॉक्टर मोनिका शर्मा लाइव होते हैं, इस लॉकडाउन में डॉक्टर्स की सलाह लेना बड़ा मुश्किल है लेकिन आपको इसी चैनल पर लाइव कंसल्टेंसी मिलेगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर मोनिका शर्मा एक चैनल एक प्रोग्राम करती हैं किचन क्लिनिक के नाम से, जिसमें किचन में यूज होने वाली कॉमन हर्ब्स के यूजेस के बारे में बताया जाता है, आप उनको जरूर सुने ताकि आपको छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उनको अपने किचन से ही सॉल्व कर। तो आज की क्लास मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप रीडिंग योर बुक्स, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड इन समथिंग समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, आप इंडोर्स ही रहें बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर नाउ, गुड बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।